हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस मैगिराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अब हम लंबवती शंकु का द्रव्यमान केंद्र डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मानते हैं कि ये कोई शंकु है, लंबवती शंकु का सेंटर ऑफ मास। तो ये शंकु है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और ऊंचाई इसकी एच है, ठीक है ना। तो माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर व ऊंचाई एच है तथा द्रव्यमान एम व घनत्व रो है। तो देखिएगा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन होता है 1/3 πr² s। तो 3m/πr² s ये आ जाएगा इस शंकु का घनत्व। आइए अब हम डिस्कस करते हैं, माना इस शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो शीर्ष से y गहराई पर कार्य कर रहा है। माना इसका द्रव्यमान केंद्र, माना सेंटर ऑफ मास शीर्ष से h गहराई पर है, या इसको y मान लीजिए, ऐसा मान चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये कार्य करेगा y पर, तो यहाँ की त्रिज्या ये होगी, और इतना पोर्शन जब निकालेंगे तो देखिएगा इतने पोर्शन की त्रिज्या स्मॉल r है ये, और इसकी मोटाई जो है वो भी कुछ होगी, वो मोटाई है dy, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो द्रव्यमान हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व, πr² dy × ρ, ये आ जाएगा dm, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये तो आया द्रव्यमान, अब त्रिज्याओं में रिलेशन देख लें। तो ये है कि मान लेते हैं कि ये शीर्ष कोण अगर थीटा है, ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये पूरी एच है और ये वाई है। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी r/y = R/H। टेन थीटा इस त्रिभुज में निकालेंगे तो स्मॉल r/y, और पूरे त्रिभुज में निकालेंगे तो कैपिटल r/H। तो इसका अगर हम आर का मान निकालें तो r/H × y, ये त्रिज्या स्मॉल आर का मान भी आ गया। अब हम फाइनली इसके लिए समाकल का सूत्र यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास होगा इसका 0 to h, और ये हो जाएगा वाई और dm/0 to m dm, ठीक है ना। ये आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे जाकर के, जहाँ dm की वैल्यू पुट कर दीजिए, cm = 0 to h y × dm की वैल्यू है πr² dy ρ / इसका मान सॉल्व होकर के m आ जाएगा। अब देखिएगा स्मॉल r का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0 to h πy और r² y² / h² dy ρ / m, और अब ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या आएगा, cm = सारी वैल्यू बाहर कर दीजिए, πr² / h² ρ, और नीचे ये m है, यहाँ बचेगा y³ dy 0 to h। तो इसका समाकलन जो होगा वाई क्यूब का क्या होगा, y² πr² ρ / m h² y⁴ 4 limit 0 to h। तो ये आ जाएगा cm = πr² ρ / m h² h⁴ 4 - 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम रो का मान रख देंगे πr² और mh² और रो
ये एक्स पावर 4/4 और रो कमान से पीछे सॉल्व किया था, आप ऐसे निकाल सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री, ये था रो का मान, तो यहाँ पर रख सकते हैं इंटू 3m/πr²h। देखिएगा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एच पावर 4/h³/4, ठीक है, आ जाएगा एच बाई 4, ठीक है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है शंकु का वो क्या हो जाएगा, ये था शंकु। तो इसके स्वतंत्र सिरे से जो सेंटर ऑफ मास है जो हमने y माना था यहाँ से h बाई 4 होगा, या यहाँ तली से अगर देखें तो पूरी ऊंचाई थी h, तो तली से हो जाएगा ये ऊपर के लिए था, और यहाँ के लिए अगर हम देखें तो h माइनस h बाई 4, तो ये आ जाएगा 3h/4। तो ध्यान रखिएगा शंकु के लिए अगर शीर्ष से देखें तो द्रव्यमान केंद्र h गहराई पर कार्य करेगा, और अगर तली से देखें बॉटम से तो वहाँ से 3h/4 ऊंचाई पर द्रव्यमान केंद्र निहित होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम ये लंबवृत्ति शंकु के लिए भी द्रव्यमान केंद्र की गणना कर पाएंगे।